हरियाणा व पंजाब के किसान संगठनों के 13 फरवरी के दिल्ली कूच करने के आह्वान के बाद तीनों राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू करके 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पुलिस जिला डबवाली में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर के 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस ठप रहेगी। व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग एसएमएस और ब्रॉडबैंड लीज लाइंस पहले की तरह चलती रहेंगी। वहीं दिल्ली के आह्वान के बीच 12 फरवरी को किसान नेताओं की केंद्र सरकार से दूसरी बैठक होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने किसान संगठनों के नाम पर एक चिट्ठी जारी की है। 8 फरवरी को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में एक दौर की बैठक हो चुकी है। इस दौरान बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि किसान संगठनों की ओर से की जाने वाली जो मांगे हैं वो दी गई हैं, उन पर विचार करने के लिए 13 से पहले एक और बैठक की जाएगी।